हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम आए रामेश्वरम धाम बाबा के दर्शन करने के लिए और ये है हमारा एपिसोड नंबर 7। आपको भी दर्शन कराएंगे हम। ये है रामेश्वरम का मार्केट और यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिलती है, आप ले सकते हो मंदिर के बाहर। और भगवान की तस्वीर और बहुत सारी चीज़ मिलती है यहाँ पे, माला वगैरह आप ले जाना चाहो। और यह है मंदिर का शिखर, मंदिर के 4 शिखर है टोटल, चारों साइड दिखेंगे आपको। और यहाँ पे शंख वगैरह, प्रसाद, ये नारियल की सब चढ़ती है। और आप नाश्ता भी कर सकते हो बाहर, बहुत सारी नाश्ते की दुकान है। और ये है कांवड़ यात्री जो जल चढ़ाने आए हैं सावन के इस पावन मास में। और ये दूसरा गेट है 22 कुंड का, यहाँ पे आप नहा सकते हो, यहाँ पे 22 कुंड है। और मंदिर का टाइम है सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक, फिर 12 से 3 बजे तक बंद रहता है, फिर 3 बजे से शाम के 8 बजे तक। और ये है मंदिर का मुख्य मार्ग, यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, हम ले जा रहे हैं फिर भी। और ये शिखर है मुख्य शिखर, तो वह प्रसाद ले लिए अभी, यहाँ पर रोटे भी निकाल लिए। भगवान श्री राम ने पूजा करने के लिए यहाँ पर शिवलिंग बनाया था रामेश्वर द्वीप पर। और हम लगे हैं अभी लाइन में दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह के टाइम बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, शाम को 3 बजे के टाइम यहाँ पे भीड़ कुछ भी नहीं रहती है। अभी देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। और यह है मंदिर का शिखर। हम लाइन में लगे हुए हैं दर्शन की लाइन। और यह गेट है मंदिर का, और आप देख सकते हैं ऊपर कितना ऊंचा मंदिर है ये। और शिवलिंग के जस्ट सामने है नंदी महाराज विराजमान। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम है रामनाथ स्वामी। दर्शन करके अब जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। तो भाई भूख लग रही थी तो हम खाना खाने आ गए यहाँ पे। खाने में डोसा ली ऑर्डर करा है हमने अभी। तो गाइस दर्शन करके आ चुके हैं अभी होटल में हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब कपड़े चेंज करेंगे हम भी। हमें रामेश्वरम में अभी हम जा रहे हैं समुद्र साइड घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है बहुत सारा, तो हम क्या करें तो घूमेंगे अभी हम। तो गाइस सुबह यहाँ पे समुद्र में पानी कम कम बढ़ गया, तो आप पानी देख सकते हो आप कितना पानी बढ़ गया। तो अभी निकल लिए हम रामेश्वर की सड़कों पर घूमने के लिए। और यहाँ पे बहुत गर्मी है ख़तरनाक वाली, इसलिए हमने बाटल भर ली है पानी की साथ में। तो भाई देख सकते हो समुद्र का व्यू, क्या लहर चल रही है। उधर पुल भी है, उधर जाएंगे अभी हम घूमते घूमते, लहर भी अच्छी चल रही है समुद्र का। तो भाई देख सकते हो समुद्र कितना खतरनाक दिख रहा है यहाँ से। वाइस पानी बहुत साफ है, देख सकते हो समुद्र का। अभी हम फिर से रूम की ओर जा रहे हैं होटल के,
क्योंकि कपड़े लेके नहीं आए हम नहाने के लिए, तो अब जाएंगे कपड़े लेके आएंगे नहाने के लिए, फिर यहाँ पे आके नहाएंगे हम फिर से। हाँ गाइस, तो गाइस रूम से लेके आ चुके हैं हम हमारे कपड़े और अब नहा रहे हैं समुद्र में, यहाँ पे नहाएंगे आपको दिखाते हैं हम। बड़े देती वाला पानी है समुद्र का। आज पहली बार नहाए हम समुद्र में और हमको पता लग गया कैसा पानी है समुद्र का। तो भाई सब नहा रहे हैं हम अभी, तो भाई सागर जी भी आ चुके हैं अभी, सागर भैया। अरे ले चल पे। हेलो गाइस, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो ये पानी बहुत खा रहा है। ये ले जाके मंजन कर लो, दांत साफ हो जाएंगे। हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा कुछ समय में। और ये पवन तो पूरा पवन गोरा हो गया है अभी हमारे। मम्मी हम समुद्र में आ गए। देव धारा शिव गंगा धारा। तो भाई सभी सामान लेने के लिए आया है विजय। भाई देख सकते हो यहाँ पे सेम सामान है, देखो सब कैसे गणेश जी बने। तो मेरे को तो ये अच्छे लग रहे तीनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग रहे मुझे।